न्यू साहिल कैसेट प्रेजेंट्स आरी मेरी लाज रखो गिरधारी और तेरे सदा रहे आवारी। धारी तेरे सदा रहे आभारी। और द्रोपसुता को चीर बढ़ायो आरी सूखो साग विदुर घर खायो अरे अब ऐसो प्रेम पुजारी तेरे सदा रहे आभारी। गिरधारी तेरे सदा रहे आभारी। गजय और ग्रह लड़ी जल भीतर एक गजय और ग्रह लड़ी जल भीतर अरे जो भरी सूण रही जल ऊपर अरे अब गजनी राह निहारी तेरे सदा रहे आवारी। गिरधारी तेरे सदा रहे आभारी। अरे जिन त्रियन तहरी नहीं देखी मठ पे बजे बधाइया सर्वदेव तन को सुमिरत हूँ मेरे बाजा पे विराजो आज।
विशेष शास्त्री के चरण कमल में शीश नवा। तो पैराती जाए तो राखी लाजो मेरी जाए रही गिरधारी जाए तो राखिला जो मेरी जाई रही गिरधारी। आज हम न्यू साहिल कैसेट के सौजन से भक्तों की विशेष मांग पर ये ध्रुव चरित्र का कार्यक्रम लेकर चल रहे हैं, जिसके प्रोपराइटर हैं श्रीमान साहिल भाई। तो सभी से निवेदन है, गौर करेंगे कैसे राजा हैं महाराज उत्तानपाद, एक बार सभी भक्त अरे जकिया सकीरत की ध्वजा रे स्वर्ग में भैया गाजी। बड़े ही तेजस्वी राजा हैं, प्रजा को पुत्र के समान वात्सल्य देने वाला राजा। जकी असकीरत की ध्वजा रे स्वर्ग में भैया गाजी। प्रजा में ना कोई कर रहो रे के राजा की बदनामी। बड़े तेजस्वी राजा हैं, लेकिन कोई संतान नहीं है। और एक काउ का बधिरा हाथी घोड़ा काउ पे एक बकरी आला। अरे काउ के खेले दस दस बेटा भूप पे एक बिटरी आला। की विधाता की नहीं मिटी है चाहे तुम करियो कोटि उपाय। अब तो रोई रोई रानी कहे नगर में जन्मोयो तारी। अब तो रोई रोई दुखिया कहे नगर में जन्मोयो तारी। जन्मो यो तारी न घर में
आज महाराज पानपाद के घर कोई संतान नहीं है, बड़े दुखी हैं। एक बात कहूं ना कि माया एक पुत्र बिना सूर्य मायू शस्त्र बिना और काया एक वस्त्र बिना लागे सूनी सूनी है। माया एक पूत बिना प्रजा एक भूप बिना और वैश्या एक रूप बिना लागती बिहूनी है। कि बिच्छू एक डंक बिना और हाथी एक दंत बिना और कामिनी यूं कंठ बिना लागे सूनी सूनी है। जिस घर में पुत्र नहीं होता ना वो घर नरक के समान होता है। चाहे कितने भी भंडार भरे हो लेकिन बिना बेटा के शोभा नहीं होती है। और एक बात और कहूंगा, अति ज्ञानी सो निर्धनी अति सुंदर सो बाज। जो ज्यादा ज्ञानवान होते हैं अक्सर मैंने देखा है गरीब होते हैं, और जो ज्यादा सुंदर माताएं होती हैं वो अक्सर करके बाज रह जाती हैं। इस दुनिया में सुखी कोई नहीं, सब दुखी है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, तो कोई धन से दुखी है। संसार में सब दुखी हैं। किसी संत ने बड़ा सुंदर कहा है, लाला भोले, अरे दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुम्हारी, धनवान कहे सुख राजा कुम्हारी, अरे राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र कुम्हारी, अरे इंद्र कहे चतुरानन सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु कुम्हारी, अब तुलसीदास बिचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, जब दुनिया में कोई सुखी नहीं है, सब दुखी है। कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है, कोई लंबा है तो दुखी है, कोई छोटा है तो दुखी है, सुखी कोई नहीं है। सुख है तो सिर्फ मेरे भगवान के चरणों में है। आज महाराज उत्तानपाद के घर में कोई संतान नहीं है। मैया सुनीति ने दासी को पास में बुलाया, बोली दासी जी बांदी लाई बुलाई कहीं समझ आई चली निकजारी, अरे मेरे सैया कुटेर के महल में बांदी लारी, सैया कु महल में टेर के गुइया लारी,
हर चटक चुनरिया लटकत जावे दुतिया दवत पैर सूजा हर संग हमारे राजा चलियो दासी ऐसे रही समझा बांदी धीरे धीरे कहे तुम्हें महारानी टेर रही दासी धीरे धीरे कहे तुम्हें महारानी टेर रही दासी महाराज उत्तानपाद के पास में पहुंची, कहने लगी महाराज आपको महारानी ने याद किया है। उत्तानपाद बोले हमारी महारानी ने? अरे आज क्या बात है, इतने समय में याद किया है। आज महाराज उत्तानपाद दासी के साथ में चले और जैसी धीरे धीरे आज मैया सुनीति ने देखा सुंदर आसन बिछा दिया, महाराज उत्तानपाद को बिठाया, आंखों में आंसू भरे हैं। उत्तानपाद कहने लगे देवी अरे क्या बात है, आप रो रही हो? एकदम सुनीति कहने लगी महाराज हमारे कोई संतान नहीं है, लोग मुझे बांज कहते हैं, तुम्हें निर्वंशी कहते हैं। और किसी ने बड़ा सुंदर कहा है महाराज, जिस घर में संतान नहीं होती ना, अरे सजना चहिला था भरे हुई घर में मोती, बिना बेटा के शोभा नहीं होती, सुनीति कहने लगी महाराज जिस घर में पुत्र नहीं होता वो घर सुना होता है, आज विधाता ने हमें एक पुत्र नहीं दिया, बिना बेटा के शोभा नहीं होती। असुअन से मुखड़ा धोती, पिदना तीने जुलम गुजारी नहीं कोई कुमर भयो रे अतारी, होनी शीस रही मड़रा। आज मैया सुनीति ने पैर पकड़ लिए स्वामी,